एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, वर्ड पैड का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें वर्ड पैड में पैराग्राफ ही ब्लॉक था, उसके ऑप्शन और इसके कुछ ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैसे इन ऑप्शन का यूज किया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए प्रोसेस वही है, सबसे पहले हमें स्टार्ट पर लेफ्ट बटन क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम पर लेफ्ट क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर लेफ्ट क्लिक करना है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हम 2007 कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके नए वर्जन के बारे में भी समझेंगे। कौन कौन से वो अभी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जब आएंगे वीडियो तो आप खुद समझ जाएंगे। यानी कि इसके जो ओल्ड वर्जन है ये भी पुराना वर्जन है, हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं वो ये पुराना वर्जन है, लेकिन जो भी वर्जन आते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, पूरी तरह से चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल पैराग्राफ। आप देखेंगे ब्लॉक, आपको याद होगा मैंने बताया था ये पूरी लाइन रिबन कहलाती है। इस रिबन में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। अभी फिलहाल पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन इनके क्या नेम है, जिस पर भी माउस का पॉइंटर जाएगा वो नीचे आपको उसका नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ देगा। इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से। यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के कुछ आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, टू टाइम है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, जब किसी मैटर को हम पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो बुलेट्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हम पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक नंबरिंग होता है जिसको हम नंबर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक मल्टी लेवल लिस्ट होता है जिसे हम नंबर्स के अंदर नंबर लिख सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा हो एक क्वेश्चन होता है उसके चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा फिर लेफ्ट होता है, सेंटर, राइट, लाइन स्पेसिंग, साइडिंग, बॉर्डर, शॉर्ट, शो इन हाइट, इसे हम पैराग्राफ होते हैं। इसमें एक आपको बताना चाहूँगा, जस्टिफाई ऑप्शन छूट गया है, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ से बाहर आते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है। इसमें हम समझते हैं सबसे पहले लेफ्ट। आपको बता दें बाय डिफॉल्ट जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमेशा इसमें हम लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा अभी, आप देखेंगे कि ये लिखा कहाँ है, लेफ्ट साइड में। अगर आप चाहते हैं ये मैटर हमने जो लिखा है वो सेंटर पर आए, यानी कभी कभी हम पेज के बीच में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर आ जाएगा। अगर आप यही चीज़ हेडिंग को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट में, यानी लेफ्ट राइट सेंटर की हेल्प से आप कहीं भी मैटर को, कहीं से भी हेडिंग को लेफ्ट राइट सेंटर आसानी से कर सकते हैं। ये आपने इसको देखा होगा मोस्टली जब पेज पर कोई चैप्टर का नाम होता है, लेसन का नाम होता है, या फिर किसी पार्ट का नाम होता है, तो मोस्टली पेज का जो लेसन का नेम हो या चैप्टर का नेम होता है वो बीचों बीच होता है, और जबकि उसकी चैप्टर की जो पहली लाइन होती है वो लेफ्ट साइड से होती है। अब आप अगर इंटर करते हैं तो आप देखेंगे हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर तो वो बीच से ही आएगा। इसको अगर लेफ्ट साइड वापस करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। ध्यान रखें ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट नहीं करना है, नीचे वाले पे ही आप कर्जर को रखकर, इंग्लिश की बुकों में या हिंदी की बुक्स में इस तरह से देखा होगा मैटर कि आपका इस तरह से एडजस्ट होता है। यहाँ पर मैंने अभी तो मैटर में कुछ भी लिख दिया है इस तरह से एग्जाम्पल के लिए। आप जब कुछ मैटर नॉर्मली लिखते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आपने देखा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका ऊपर जो हेडिंग है इसको राइट में भी ले सकते हैं और लेफ्ट में भी और सेंटर में भी, तो लेफ्ट राइट सेंटर। इसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई एक ऐसा ऑप्शन होता है जब आप किसी पैराग्राफ को विदाउट इंटर लिखते हैं। इसके लिए मैं मैटर को एक लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक मैटर लिख दिया है, फिलहाल इसमें मैटर में मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, मैंने मैटर को टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप देखेंगे इस मैटर में अभी क्या हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैटर को सिलेक्ट करने का तरीका वही पुराना, शब्द के पीछे माउस का पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको खिसकाएंगे, शब्दों के ऊपर मूव ले जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे जो मैटर मैंने सिलेक्ट किया है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो आगे के वर्ड हैं वो लाइन टू लाइन है, यानी वर्ड के नीचे वर्ड है, जबकि लेफ्ट साइड में तो सही है लेकिन राइट साइड में ये डिस्टर्ब है। यहाँ तो सही है पहली सेकंड लाइन, इसके बाद देखिए अंदर आगे फिर वही बाहर निकल गई। तो ये जो पैराग्राफ है हमारा जब लेफ्ट साइड से सही है तो हमारा राइट साइड से भी सही होना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या होता है, मैटर को लिखना है विदाउट इंटर।
आप मैटर को लिखते चले जाएं, जब तक आपका पूरा मैटर ना लिख जाए आप तब तक इंटर न दबाएं। और जब आप पूरा मैटर लिख चुके हों, लिखने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करें। जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक हुआ तो आप देखिए बैक से जो डिस्टर्ब थी लाइन वो एकदम इक्वल आ चुकी है, इसीलिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन मतलब जो हमने लिखा होता है, स्पेस सब लोग जानते होंगे, स्पेस मतलब दूरी। तो यहाँ पर क्या होता है, दो लाइनों के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा करना है तो हम क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं। लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद यहाँ पर किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग जितना आपको स्पेस चाहिए, 2.5 तो आप देखेंगे मैटर में स्पेस ज़्यादा हो गया, 3.0 तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको 1.0 करना है तो 1.0 कर सकते हैं। इसका यूज़ बेसिकली आपको बता दें एग्जाम पेपर में होता है। अगर आपने देखा होगा कॉलेज स्टैंडर्ड में, आप अगर आप हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, सॉरी आप कॉलेज स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं, आप देखना एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में काफ़ी स्पेस आता है। ये स्टैंडर्ड आपको कहाँ मिलेगा, बोर्ड के पेपर में या कॉलेज लेवल में, ठीक है, जैसे 10th का, 12th का या बीए बीकॉम में, ऐसे आपको किसी भी क्लास में मिल सकता है। जो जिसमें क्या होता है लाइन स्पेसिंग होता है, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ये क्वेश्चन पेपर में देखना आप मिल जाएगा आपको। तो इससे हम क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट करने के बाद एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में स्पेस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पेस करना है, 2.0 करना है या 1.0 करना है या इससे ज़्यादा करना है। इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। जितना स्पेस ज़्यादा करेंगे पेज उतना ज़्यादा यूज़ होगा, और कम स्पेस करेंगे तो पेज उतना कम यूज़ होगा। इसके बाद शेडिंग आता है। शेडिंग आपको बता दें क्या होता है, शेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो शब्दों के पीछे कलर करता है। एक्चुअल में आपको याद होगा शब्दों के पीछे हाईलाइटर कलर भी था, और एक फॉन्ट में आपको याद होगा हाईलाइटर कलर से हम शब्दों के पीछे कलर कर सकते हैं। कोई भी कलर को सिलेक्ट करें आप, सिलेक्ट करने के बाद तो शब्दों के पीछे कलर हो जाता है। ये देखिए हटाना है तो आप सिलेक्ट करके इसमें जाके, सॉरी इसमें जाके नो कलर कर दें तो आप कई शब्द से कलर हट भी जाएगा। और हाईलाइटर कलर अगर किसी भी कलर को करते हैं, कोई भी कलर अगर आपने कर दिए शब्द के ऊपर और फिर आप सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो हाईलाइटर कलर नहीं हटता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन शेडिंग में ऐसा नहीं है। शेडिंग अगर आप किसी भी शब्द पे करते हैं, आप यहाँ पे जाकर किसी भी कलर को लेते हैं, शेडिंग किया और आपको कलर हटाना है, तो आप इसमें जाके नो कलर भी कर सकते हैं या फिर आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें क्लियर फॉर्मेटिंग से शेडिंग का कलर हट जाता है लेकिन हाईलाइटर कलर नहीं हटता है। फिलहाल मैं वैसे करता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। आपको अगर शेडिंग का कलर हटाना है तो नो कलर से भी हटा सकते हैं कलर, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग से भी कलर हटा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं, जब किसी मैटर को आपने एक्सरसाइज में, इसके बुक्स में देखा हो, एक्सरसाइज को लिखते हैं तो आप क्या करते होंगे, इसमें बुलेट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी बुलेट्स आप देखेंगे, हम जिस पे जा रहे हैं माउस का पॉइंटर वो पेज पे आ रही है, किसी पर भी आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कोई भी मैटर लिखें, ये देखिए सेकंड इंटर करते ही अपने अपने आप सेकंड आ गया। ये देखिए आप इंटर करते जाएं अपने आप पॉइंट आता जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहां पर पॉइंट के अंदर पॉइंट चाहिए तो जैसे करें लिखा, इंटर करना है, फिर एक बार कीबोर्ड से टैब दबाना है जिसके अंदर हम, चले जाएंगे और आपको मेन पॉइंट पे फिर से पहुंचना है, तो एक बार इंटर, फिर एक बार और इंटर, तो आप मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। और अगर आपको मान के चलते हैं कि पॉइंट ही नहीं चाहिए तो थर्ड टाइम इंटर। याद रखें जब पॉइंट के अंदर पॉइंट चाहिए हो तो क्या करना होता है, एक बार वो समझते हैं इसको। बुलेट होता क्या है, बुलेट मतलब हिंदी में बिंदु होता है, हम सब जानते हैं। अगर आपको किसी भी बिंदु का पॉइंट का इसमें यूज करना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया होगा वो पेज पर आ जाएगा और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद इंटर करें, अपने आप ये पॉइंट चेंज होते जाएंगे। अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखना है, यानी डी के अंदर कुछ लिखना है, तो इंटर दबाएं फिर टैब दबाएं। इसके अंदर आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको वापस अपना मेन पॉइंट पे आना है तो दो बार इंटर दबाएं आप, और अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो
यहाँ पर अगर हैं आप तो एक बार और इंटर मार, खाली बिना लिखे हुए इंटर कर देना है आपको। लेकिन कोई खेलता है आपको ये बोलता है कि पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है, आप पॉइंट बदलिए, तो आपको मैटर मिटाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मैटर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट में जाएं, बुलेट में जाने के बाद आप देखेंगे सभी पर बुलेट्स चेंज हो रही है ना। आपको जहाँ पे बुलेट चेंज करना है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एक चीज और, यहाँ पर अगर आपको इतने में चेंज करना है तो इतना सिलेक्ट करें, जहाँ जहाँ बुलेट चेंज करनी है आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और अगर आपको हटाना है तो आप जस्ट सिलेक्ट करके, नन ऑप्शन है उसमें अंदर, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सिलेक्ट की हुई मैटर से बुलेट हट जाएंगी, देखिए। और वापस लाना है तो आप फिर से वही ऑप्शन कर सकते हैं, बुलेट्स में जाके फिर से किसी बुलेट पर क्लिक करें तो आपका मैटर में बुलेट वापस आ जाएगा। ऐसा ही नंबरिंग में है, नंबरिंग मतलब नंबर में, न्यूमेरिक यानी आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें अल्फाबेट न्यूमेरिक आ रहा है, रोमन आ रहा है, रोमन नंबर आ रहा है, कोई भी आपको जो भी लेना है, एटलीस्ट आप यहाँ पे क्या करें, क्लिक करें एक बार किसी पे भी जाके। हमने यहाँ पे वन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मान के चलो यहाँ पे भी मैंने सिंपली वही कुछ लिखा या इस तरह से लिखा। लिखने के बाद अगर आपको पॉइंट के अंदर पॉइंट चाहिए तो आप सिक्स के अंदर चाहते हैं तो एक एंटर और एक टैब इस तरह से करें, ये देखिए। वापस आना है तो एक बार सिंपली एंटर एंटर तो आप मैन नंबर पे जाएंगे, और आपको नंबर नहीं चाहिए तो एक बार दो बार एंटर दबाइए, आप सिंपली उसको हटा सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि नंबर के अंदर नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको नंबर के अंदर नंबर लिखना है, नंबर के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा हो क्वेश्चन पेपर में आता है, एक क्वेश्चन उसके चार ऑब्जेक्टिव विकल्प आते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे किसी भी क्लिक कीजिए, जैसे हमने लिखा फिलहाल, तो लिखने के बाद इसका विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टैब दबाइए आप, देखिए इसका ये हो गया, सॉरी ये देखिए। और क्वेश्चन नंबर टू लिखना है तो एक बार इंटर सेकंड टाइम, यानी टू टाइम इंटर करना है आपको, दो बार इंटर करते ही आपका नंबर फिर से आ जाएगा। फिर से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से लिखिए, लिखने के बाद जस्ट इंटर, फिर एक टैब, यहाँ पे बनाइए और फिर बनाने के टू टाइम फिर से इंटर, फिर से आप क्वेश्चन किए, यही प्रोसेस आपको बार बार करते रहना है, इंटर फिर टैब, ये देखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करिए, इससे आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा हो सकता है। कोशिश की जा रही है, एक ट्राई किया जा रहा है, आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको जो वीडियो बनाए जा रहे हैं नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। अभी हाँ ये ज़रूर है कि पुरानी वीडियो चल रहे हैं, मतलब 2007 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आगे चलकर इसमें और भी नए वर्जन आएंगे। फिलहाल थैंक यू।